हे गाइस, इट्स कैच फॉर आरबी हेयर। एंड फाइनली गाइस, पोको F1 के लिए एक नया अपडेट रिलीज हो चुका है, जहां पे आपको ये देखने को मिलता है MIUI 12.0.3.0। गाइस, मैं इस वीडियो को बनाने में के लिए थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि गाइस मैं वेट कर रहा था मेरे फ़ोन में इस अपडेट को आने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे ये अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है कि किस तरीके से आप इसे मैन्युअली अपने फ़ोन में अपडेट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी डाटा लॉस के। तो गाइस, Xiaomi की तरफ से कंफर्म किया गया है कि उनका एक नया अपडेट रिलीज हो चुका है पोको F1 के लिए, जो कि दिसंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। एंड यहाँ पे जो उस अपडेट का साइज है वो है 364 MB। लेकिन गाइस, जो भी लोगों को देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 2 GB का अपडेट देखने को मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसका ये है कि गाइस, जो ये 2 GB का अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, ये उन्हीं लोगों को देखने को मिलने वाला था जो कि अभी तक MIUI 12 पर नहीं है। लेकिन किसी एरर की वजह से गाइस, ये सभी को 2 GB का अपडेट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म बता दूं कि जो भी लोग MIUI 12.0.2.0 पर हैं, उन्हें ये 2 GB का अपडेट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक दूंगा, जहां से आपको 364 MB की एक फाइल देखने को मिलेगी, जो कि MIUI 12 OTA के नाम से आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। आपको जस्ट उस फाइल को डाउनलोड करके उसे मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि उसे कैसे इंस्टॉल करना है। एंड आपको यहां पे 2 GB की फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो भी लोग MIUI 12 पर नहीं है, चाहे वो TWRP से इंस्टॉल कर रहे हैं, या MIUI 11 पर हो, या 9 पर हो, या 10 पर हो, उन सभी को 2 GB वाली फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। तो गाइस, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपको ये MIUI 12.0.3.0 का जो अपडेट है वो कैसे इंस्टॉल करना है बिना किसी डाटा लॉस के। तो गाइस, सबसे पहले आपको, अगर आप MIUI 11 पर हैं या उससे पीछे वाले किसी वर्जन पर है, तो आपको 2 GB वाली फाइल डाउनलोड करनी है। अगर आप 12.0.2.0 पर हैं मेरी तरह, तो आपको जस्ट वो 364 MB वाली फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी सेटिंग्स में जाके, अबाउट फोन में जाके, यहाँ पे MIUI वर्जन पर आना है। एंड यहाँ पे चाहे आप 11 पर हों या फिर 12 पर हों, आपको यहाँ पे जो MIUI वर्जन है उस पर 7-8 बारी टैप करना है। जैसे कि आप मेरे नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। आप इस पे 7-8 बार टैप करेंगे तो आपको ये फंक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पर टैप करना है, यहाँ से चूज अपडेट पैकेज पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पे आपने वो फाइल डाउनलोड की थी, आपको वहाँ पे जाना है। जैसे जो मेरी फाइल है वो मेरे इंटरनल स्टोरेज में बाहर ही पड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल वर्जन 12.0.2.0 के लिए एक OTA अपडेट है, जो कि यहाँ पे 380 MB के आसपास मुझे देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिट्रीविंग इन्फो आ चुका है। तो गैस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि योर डिवाइस विल रीबूट ऑटोमेटिकली टू द अपडेटेड वर्जन ऑफ MIUI वर्जन 12.0.3.0। तो गैस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपडेट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम जल्दी से इसे रीबूट एंड अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिक्रिप्टिंग होके हमारा फोन जो है वो रीबूट में चला गया है। तो फाइनली गाइस, जो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पे रीबूट हो चुका है। यहाँ पे आप ऊपर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि जो मेरा MIUI अपडेट का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुका है, अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम अपनी सेटिंग्स में चलते हैं। जो मुझे सबसे पहली चीज़ नोटिस हुई है वो है गाइस, ये जो कंट्रोल सेंटर का बग था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग का इशू जो है वो अभी तक है। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो MIUI का वर्जन है वो है 12.0.3.0। एंड यहाँ पे मैं अगर व्हाट्स न्यू में चेक करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेटेड सिक्योरिटी पैच अक्टूबर 2020 एंड इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे गाइस, अक्टूबर का जो ये सिक्योरिटी पैच बता रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी पैच को देखें वो यहाँ पे हमें दिसंबर का देखने को मिल चुका है। तो गाइज़, यहाँ पे अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन गाइज़, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा जो इस अपडेट को टेस्ट करना चाहते हैं। जो भी लोग इस अपडेट को डे टू डे यूसेज में यूज़ करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिए। मैं इसको टेस्ट करके शाम तक आपको एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि गाइज़, जो पुरानी MIUI 12 की अपडेट थी, उसके बाद जो पोको F1 की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। एंड इस अपडेट को मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये पहले वाले MIUI 12 से बेटर है कि नहीं है। यहाँ पे आपको इसका बैटरी बैकअप कैसा देखना मिलता है, परफॉर्मेंस कैसी देखने मिलती है, मैं उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।